आरटीपीसीआर टेस्ट के द्वारा हम करते क्या है कि वायरस के जो जीन्स होते हैं उनके अलग अलग जीन्स को हम टारगेट करते हैं और डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे एक आरटीपीसीआर टेस्ट में हम केवल एक जीन को नहीं बल्कि दो या उससे ज्यादा जीन्स को टारगेट करके डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये रीजन है कि अगर किसी जीन में म्यूटेशन आया भी है और इसके कारण एक नया स्ट्रेन डेवलप हो गया है, बट क्योंकि हम एक से ज्यादा जीन्स को टारगेट कर रहे हैं तो हम दूसरी या तीसरी जीन को जरूर पिकअप कर लेंगे और हम कोविड इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट टाइम हमने कोविड में देखा था कि सिम्टम्स ज्यादातर फ्लू के प्रकार के थे, आपको फीवर आता था, साथ में थोड़ा कफ कोल्ड रहता था, और दो यूनिक सिम्टम्स हमने देखे थे, वो थे लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट। सेकेंड वेव में जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं और बहुत ही डिफरेंट टाइप के हैं, जैसे कि स्किन रैश होना, कंजंक्टिवाइटिस यानी आंखों में रेडनेस या वाटरिंग होना, स्टमक डिस्टर्बेंसेज जैसे कि पेट में क्रैम्प्स पड़ना, पेट दर्द होना, नौजिया होना, उल्टियाँ होना, डायरिया होना, लूज मोशन होना, ये सारे सिम्टम्स भी अभी कोविड के लिए हम इस सेकेंड वेव में देख रहे हैं। इनके एडिशन में जो फर्स्ट वेव के सिम्टम्स थे फीवर, कफ, कोल्ड, लॉस ऑफ टेस्ट, स्मेल, वो अभी भी हैं। सो यस, फर्स्ट और सेकेंड वेव में सिम्टम्स में अंतर है और सेकेंड वेव में हम बहुत ही अलग अलग टाइप के न्यू सिम्टम्स भी देख रहे हैं। अगर आपको कोविड के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपको पहले देखना चाहिए कि आपको किस प्रकार के और कितने सिवियर सिम्टम्स हैं। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आपके कफ, कोल्ड और फीवर होते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा सिवियर नहीं है तो आपको भी 90-95 लोगों के प्रकार ही कोविड का इन्फेक्शन हुआ है, यानी कि एक माइल्ड फ्लू की तरह रहेगा और वो माइल्ड फ्लू की तरह ही ठीक भी हो जाएगा। तो जिन लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन रहती है वो एक्चुअली बहुत ही माइनस अपसेट है, ऑलमोस्ट 10% जिनको, क्योंकि सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सिवियर हैं या उनको कोमोर्बिडिटीज़ हैं तो उनको डॉक्टर की सुपरविजन की रिक्वायरमेंट है और एडिशनल मेडिकेशंस की ज़रूरत है। कोविड में जैसा कि मैंने कहा 95 लोगों को एक सेल्फ लिमिटिंग इलनेस रहेगी, आपको इनके बस सिम्टम्स को मैनेज करना है। सिम्टम्स जैसा कि हमने कहा फीवर, कफ और कोल्ड, तो इसका जैसे आप किसी भी फीवर, कफ और कोल्ड के लिए इतने सालों तक अपना या अपने नियर एंड डियर वंस का इलाज और केयर करते आए हैं आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। वही पैरासीटामोल और वही एवेल और वही गरारे और वही स्टीम लेना है और अच्छा डाइट और न्यूट्रिशन लेना है ताकि आपकी बॉडी इन्फेक्शन से अच्छी तरह लड़ पाए और अपने आप रिकवर कर पाए। जो 10% लोग हैं जिनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, जिनका SpO2 कम होगा या जिनमें कोई कोमॉर्बिडिटीज रहेंगी जैसे कि डायबिटीज़ या हार्ट प्रॉब्लम, जिनको मॉडरेट या सिवियर डिजीज़ होने का रिस्क रहेगा, उनको भी एक डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर अगर आप रखेंगे, उनके जो वार्निंग साइंस हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और फॉलिंग ऑक्सीजन लेवल्स को मॉनिटर करेंगे और ट्रीटमेंट को किसी डॉक्टर सुपरविजन के अंडर रखेंगे तो मोस्ट प्रॉबली उनको भी बाय एंड लार्ज मॉडरेट डिजीज तक ही हम लिमिट कर सकते हैं और थोड़ा सपोर्टिव केयर के साथ मैनेज करा जा सकता है। तो अगर आपको कोविड है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। 90-95% लोग अपने घर पे ही नॉर्मल ट्रीटमेंट के साथ ही ठीक हो जाते हैं। जो 5-10% को रिक्वायरमेंट पड़ती है उनको भी अगर आप मॉनिटर करते रहेंगे क्लोजली और डॉक्टर के सुपरविजन में रखेंगे तो उनका भी हो सकता है शायद बहुत ही ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन होने से हम उन्हें बचा पाएँ। रेमडेसिविर और प्लाज्मा होते क्या हैं? रेमडेसिविर एक एंटीवायरल मेडिसिन है, यानी कि ये वायरस को मल्टीप्लाई करने से रोकती है, और प्लाज्मा कन्वेलेसेंट प्लाज्मा रहता है, यानी कि किसी भी प्रीवियसली कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट से आप प्लाज्मा लेते हैं जिसके अंदर एंटी कोविड एंटीबॉडीज होने का चांस होता है। तो आइडिया ये रहता है कि आप वायरस के अगेंस्ट उनको यूज़ करें और उनकी मल्टीप्लीकेशन को, वायरस की मल्टीप्लीकेशन को रोकें और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोवाइड करें। पर अभी तक जो स्टडीज हुई हैं उन्होंने यही प्रूफ किया है कि आप रेमडेसिविर लें या प्लाज्मा लें उससे आपको मोर्टैलिटी में कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। मोर्टैलिटी का मतलब पेशेंट की जान बचाने में इनका बहुत ही लिमिटेड या नॉट प्रोवन रोल है। रेमडेसिविर, और मैं रिपीट करता हूँ, रेमडेसिविर और प्लाज्मा से आप किसी की जान नहीं बचा सकते हैं, आप बस उनका हॉस्पिटल ड्यूरेशन कम कर सकते हैं, यानी कि उनकी जो रिकवरी है अगर उनको ठीक होना होगा इससे रिकवरी में उसे आप थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। अगर वो 6 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थे तो शायद आप 3 दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे। ये दोनों मेडिसिन अगर दी जानी होंगी तो एक हॉस्पिटल सेटिंग में अंडर सुपरविजन ही एक डॉक्टर के द्वारा देने जानी होंगी। तो आप प्लीज़ इसके लिए इतना पैनिक मत कीजिए, इतना वरी मत कीजिए, और जो मेन ट्रीटमेंट है कोविड का हॉस्पिटल में जो कि ऑक्सीजन और स्टेरॉइड्स है वो अपने डॉक्टर के भरोसे छोड़ दीजिए और उनको उसके साथ पेशेंट को बचाने की कोशिश करने दीजिए। रेमडेसिविर और प्लाज्मा से एक्चुअली अभी तक कोई भी प्रूवन स्टडी नहीं है जिससे किसी की भी जान बची हो। क्योंकि ये वायरस हवा में ड्रॉपलेट्स के द्वारा फैलता है इसलिए मास्क आपके और इन ड्रॉपलेट्स के बीच में एक दीवार की तरह, एक बैरियर की तरह आता है और आपको इस वायरस से बचाता है। क्योंकि कपड़े के मास्क के अंदर खुद छोटे छोटे बारीक
सूक्ष्म प्रकार के होल्स होते हैं तो ये ड्रॉपलेट्स उसके थ्रू भी आ सकते हैं। इसलिए कपड़े का मास्क वैसे तो काफ़ी इफेक्टिव होना चाहिए, पर क्योंकि आजकल इन्फेक्टिव रेट बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 25-30%, यानी कि हर तीसरे या चौथे आदमी जिसके आप कॉन्टैक्ट में आते हैं उनको हाई चांस है कि उनको कोविड का इन्फेक्शन हो, इसीलिए कपड़े का मास्क आज की डेट में अकेले एडिक्वेट नहीं है। इसके लिए हम कहते हैं, रिकमेंड करते हैं कि आप दो मास्क को कॉम्बिनेशन में यूज़ करें, एक के ऊपर एक। इसको हम डबल मास्किंग भी कहते हैं। तो डबल मास्किंग से एडवांटेज क्या होता है कि आप अपने और वायरस के बीच में एक नहीं बल्कि दो दीवार ले आते हैं, और इस प्रकार से आप वायरस पार्टिकल्स के ड्रॉपलेट्स को और भी अच्छे तरीके से फिल्टर करने की कोशिश करते हैं। तो डबल मास्किंग में आपको क्या करना चाहिए, आपको अंदर एक सर्जिकल मास्क पहनना चाहिए जो कि बहुत ही अच्छे फिल्टर के प्रकार एक्ट करता है, और उसके ऊपर आप एक कपड़े का मास्क लगाइए क्योंकि ये थोड़ा टाइटली फिट होता है आपके माउथ और जॉ के अराउंड, तो ये अंदर वाले फिल्टर को अच्छे से टाइटली कवर करके पकड़ के रखेगा और एक डबल फिल्टर आपको वायरस के खिलाफ प्रोवाइड करेगा। यस, स्टडीज के अनुसार अभी तक जो जो कोविड के नए स्ट्रेन्स इवॉल्व करे हैं, जो वैक्सीन हमारे पास अभी अवेलेबल हैं, वो इन नए स्ट्रेन्स के खिलाफ भी इफेक्टिव हैं। तो यस, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, नए स्ट्रेन जरूर आए हैं पर हमारे पास जो अवेलेबल वैक्सीन हैं वो इन स्ट्रेन के खिलाफ भी काफी इफेक्टिव हैं। कोविड वैक्सीन लगने से आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, आपको इम्यूनिटी मिलेगी। कोविड वैक्सीन के अंदर कोई भी लाइव वायरस नहीं होता है, इसलिए आपको कोविड इन्फेक्शन होने का कोई भी रिस्क नहीं है। साइड इफेक्ट आपको किस टाइप के होंगे, तो जैसा कि आपने बचपन में कोई भी वैक्सीन के साथ एक्सपीरियंस किया होगा, नॉर्मल टाइप के साइड इफेक्ट्स ही होंगे, जैसे कि इंजेक्शन साइड पे पेन, इंजेक्शन साइड पे हैवीनेस, टेंडरनेस और थोड़ा बहुत बुखार। इससे ज़्यादा आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोविड इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका है उसके बावजूद आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए। इसका रीज़न यह है कि कोविड इन्फेक्शन के बाद आपके पास जो इम्यूनिटी है वो शायद बस 5-6 महीने के लिए ही लास्ट करेगी। वैक्सीन आपकी बॉडी को इम्यून ट्रेनिंग देके उसको कोविड से लड़ने के लिए ट्रेन करेगा। वैक्सीन आपको री इन्फेक्शन से नहीं बचाती हैं, बट एक सीरियस इन्फेक्शन से ज़रूर बचाती हैं। इसलिए यस, अगर आपको कोविड इन्फेक्शन हो चुका है उसके बावजूद आपको वैक्सीन का चांस अगर मिले तो आपको ज़रूर लगवानी चाहिए। इट ट्रेन्स योर इम्यूनिटी मच मच बेटर। अगर आप वैक्सीनेट हो चुके हैं उसके बाद भी आप इन्फेक्ट हो सकते हैं, इसलिए आपको मास्क पहनना चाहिए, और क्योंकि आप रीइन्फेक्टेड हैं आप लोगों को इन्फेक्शन पास ऑन भी कर सकते हैं, इसलिए आपको उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी मास्क अप रहना चाहिए। तो यस, वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको मास्क की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज मास्क आपको खुद को इन्फेक्शन से बचाएंगे और उसके बाद दूसरों को इन्फेक्शन पास ऑन करने से भी प्रिवेंट करेगा। कोविड वैक्सीन से इन्फर्टाइल होने का खतरा बिल्कुल नहीं है, ये एकदम फेक न्यूज़ है। आप प्लीज़ इस पर विश्वास ना करें और जाके अपना वैक्सीन लीजिए, इससे इन्फर्टाइल होने का कोई भी रिस्क नहीं है। पीरियड्स के दौरान कोविड वैक्सीन लेना इंटायरली सेफ है। अगर आपको अपने पीरियड्स के कारण से बहुत ज़्यादा पेन या डिस्कम्फर्ट नहीं है एंड यू फील दैट यू फिजिकली अप टू इट टू गो एंड गेट अ शॉट ऑफ द वैक्सीन एंड मैनेज इट्स साइड इफेक्ट्स विच कैन बी लाइक पेन, फीवर एंड स्वेलिंग इन द आर्म, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए और अपने आप को वैक्सीनेट करवाना चाहिए। जहाँ तक की बात रही प्रेगनेंसी की, तो अभी स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि प्रेगनेंसी के दौरान भी कोविड का वैक्सीन लेना बिल्कुल सेफ है। सो प्लीज़ गो कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड गेट योर अपॉइंटमेंट फॉर गेटिंग द कोविड वैक्सीन। अगर आपको डायबिटीज़ या हार्ट प्रॉब्लम जैसा कोई भी कोमॉर्बिडिटी है तो वैक्सीन लेना आपके लिए सेफ ही नहीं बल्कि आवश्यक है। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम जैसी कोई भी कोमॉर्बिडिटी आपको एक हाई रिस्क इंडिविजुअल बनाती हैं, विच पुट यू एट अ रिस्क ऑफ गेटिंग अ वेरी सीरियस कोविड इन्फेक्शन। तो वैक्सीनेशन के बाद अगर आपको इन्फेक्शन होता भी है तो ये होप रहती है कि आपको माइल्ड से मॉडरेट डिजीज़ ही रहेगी जो कि मैनेजेबल होगी और सीरियस डिजीज़ में कन्वर्ट नहीं होगी। इसलिए अगर आप या आपके किसी भी नियर एंड डियर वन को डायबिटीज़ या हार्ट प्रॉब्लम जैसी कोई भी कोमॉर्बिडिटी है, उनको प्लीज़ वैक्सीनेशन के लिए इनकरेज करें, क्योंकि ये लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम्स हैं जिनका काफ़ी टाइम से ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रहा होगा। इट इज़ एडवाइस कि आप अपने ट्रीटिंग फिजिशियन के साथ कंसल्टेशन में वैक्सीन प्लान बनाएं और उनकी सुपरविजन के अंडर वैक्सीन को ज़रूर लें।